बिंदु होते हैं जिस पर, क्योंकि जो शिकायत दिखाई जो SEIR है और जो NCB ने आर्ग्यू किया है उसके अलग अलग मुद्दे पर बहस की जाती है और हर मुद्दे पर कोर्ट अपनी नोटिंग्स देता है। हर कंटेंशन पर कोर्ट ने किस बिना पर जमानत याचिका खारिज की है ये बेहद जरूरी है किसी भी वकील के लिए अगली कोर्ट में पैरवी लगाने के लिए। तो जिन आधारों पर जमानत याचिका खारिज हुई होगी उस पर वो अगली बहस का दायरा कैसा होगा। एक्यूज है उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया सर, अभी जस्ट ऑर्डर होके 15 मिनट हुआ सर, अभी ऑर्डर ऑनलाइन भी अपलोड हुआ नहीं है, वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी एप्लीकेशन हमने कर दिए सर। आर्गुमेंट आपको क्या लगता है हर चीजें जो एनसीबी खारिज हुई है क्या अवेलेबल थे आपका कहना था आपने सर? एक तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है सर, ये एक पॉइंट हुआ। और जो सेक्शन 26 वाला जो सेक्शन है सर वो भी नॉन अवेलेबल है, एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स है और बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर बेल एप्लीकेशन हुआ, ये रीज़न हमको समझ में आया। बाकी ऑर्डर मिलने के बाद सर हम आपको डिटेल सर, रिया का क्या होगा अब ये बताइए, रिया के बारे में रिया का क्या होगा सर, रिया अभी जेल में रहना पड़ेगा सर जब तक रिया का जेल तारीख 27A आप लोग के लिए कितना बड़ा मुश्किल वाला बना क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सीधे सीधे निकल कर जी 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 वही सेक्शन 27 ने हमारे लिए काफी यानी उसमें मुश्किल पैदा कर दिया बेल के लिए सर। NCB ने क्या कहा था जब 27A रख रहे थे तो आप लोग की डिफेंस क्या हमकी हमारी डिफेंस यही थी कि उसमें 27A जो है अप्लीकेबल होता नहीं है सर, हमारा डिफेंस जी जी। और कोर्ट के सामने जब दलीलें हो रही थी तब NCB ने क्या कहा था और उस बारे में बताइए सर, आप थे वहाँ पर? सर मैं पूरे हेयरिंग में मैं वहाँ पर कोर्ट में मौजूद था सर। सभी के लिए कॉमन आर्गुमेंट हुआ सर वहाँ पे, कोई स्पेसिफिक नाम लेकर किसी का आर्गुमेंट हुआ नहीं, कॉमन आर्गुमेंट। तो अभी सबको जेल में रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा जब तक बेल नहीं होती, जब तक आप हाईकोर्ट का मूव करेंगे आज ही जैसे ही एप्लीकेशन ये ऑर्डर बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर अपलोड हो जाता है, अपलोड की कॉपी ऑनलाइन निकाल के हमारा बेल एप्लीकेशन रेडी है और हम तुरंत आज ही बेल एप्लीकेशन जैद विलात्रा का हाईकोर्ट में दाखिल। बाकी भी आज ही मूव कर रहे हैं उनका उनका मैं जैद का बता सकता हूँ सर, बाकी का सर, मैं कैसे जानकारी होगी। लेकिन आप जैद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बेल नहीं मिली, आप काफी कॉन्फिडेंट थे कि बेल मिल जाएगी लेकिन बेल नहीं मिली, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोर्ट है, अगर स्पेशल कोर्ट अगर बेल नहीं देता है ये तो प्रोसेस है, अगर स्पेशल कोर्ट नहीं देता है तो हम हाईकोर्ट जाएंगे सर, हमारी कोशिशें तो चालू रहेंगी बेल करने के लिए हर तरह से। क्या वजह लग रही है आपको बेल नहीं मिली? मुझे तो ऐसा लगता है सर कि इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, ये दो वजह होगी। और सेक्शन जो 27 है वो भी नॉन अवेलेबल है, उसमें 10 ईयर्स की कन्विक्शन है, ये पॉइंट हो सकता है लिया होगा ऑनरेबल कोर्ट ने। ज्यादा संगीन आरोप रिया पर है या जैद पर? नहीं सर ऐसा के वकील हमारे साथ है अंदर क्या कुछ हुआ समझिए जरा उनसे। अरविंद ओझा अगर मेरी आवाज आप तक आ रही, जैद विलात्रा के वकील आपके साथ खड़े हैं, समझिए उनसे क्या कह रहे हैं। जी देखिए मैं आपको बताऊं, आपसे कुछ देर बाद हम बात करेंगे, फिलहाल वो एक मराठी चैनल है उससे बात कर रहे हैं, हम आपको उनकी बात सुनाएंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने आपको बात सुनाई, अब हम सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है, मैं आपको बताऊं 27A जिस सेक्शन का जिक्र किया जा रहा है नवजोत, उस सेक्शन की वो सेक्शन तमाम आरोपियों के लिए गले की फांस बन रहा है। और अब हम सीधे जो जैद विलात्रा के वकील हैं उनसे ही बात करते हैं। सर अरे भाई मेरा चालू है ना रुकना। देखिए अभी देखिए यहाँ पर फिलहाल जो है वो चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनके वकील हैं अभी दूसरे एक मराठी चैनल लोकल चैनल है उनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये फिलहाल की यहाँ स्थिति है, लेकिन 27A नवजोत वो गले के तमाम लोगों के लिए फांस बना हुआ। सर जॉइनिंग अस नाउ इज सर, वन सेकंड प्लीज, यू आर लाइव ऑन टाइम्स नाउ, यू आर लाइव ऑन टाइम्स नाउ। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, व्हेन आर यू मूविंग टू बॉम्बे हाई कोर्ट एंड टुडे ऑन टुडे इटसेल्फ? यस यस सर, ऑन टुडे इटसेल्फ। बट यस यू आर मूविंग टू बॉम्बे हाई कोर्ट टुडे, बट
अरविंद ओझा इस वक्त जैद उलात्रा के वकील बिल्कुल वहां पर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मर्यादा के साथ आगे बढ़ते हुए रहते हुए हम एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आज तक वहीं पर मौजूद है। आशुतोष मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आशुतोष अली, मैं देलू लाइव पे हूँ। आशुतोष मिश्रा मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, जैद बिलात्रा के वकील जो बता रहे थे। जी आप समझ सकते हैं नवजोत, बहुत सारे मीडिया का जमावड़ा है, तो ऐसे में जाहिर है थोड़ी सी बातें मुश्किल हो जाती है कई बार करने में, क्योंकि हर कोई पकड़ना चाहता है। आशुतोष, हम एक जिम्मेदार चैनल है और जिम्मेदारी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले सबसे विश्वसनीय सही खबर दिखाना आज तक की जिम्मेदारी, और उसी की जिम्मेदारी को निभाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आशुतोष बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, इसीलिए अगर देखिए बहुत सारी भीड़ है, समझना जरूरी है। लेकिन आपको फिर भी सत्र न्यायालय के इस दरवाजे पर ले चलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आए थे और जैसे ही उन्होंने आया, उन्होंने जानकारी दी है कि देखिए जमानत याचिका आगे खारिज हो गई है, 10 मिनट बाद वो बाहर आएंगे और कर दिए। सर एक तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है सर, ये एक पॉइंट हुआ। और जो सेक्शन 26 वाला जो सेक्शन है सर, वो भी नॉन अवेलेबल है, एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स है, और बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर बेल एप्लीकेशन हुआ, ये रीज़न हमको समझ में आया। बाकी ऑर्डर मिलने नहीं हुई सर, बेल पहली बार, ये जो 6 एक्यूज है उनकी बेल पहली बार रखी गई और पहली बार उनका रिजेक्ट हुआ बेल एप्लीकेशन सर। हाँ, क्या मुश्किल आ रही है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस वजह से लगातार दो अदालतों से जमानत खर्जी हो गया, ऐसा कौन सा सेक्शन नारकोटिक्स कंट्रोल? दो अदालतों से एक बेल एप्लीकेशन ये बराबर नहीं है सर, आज पहली बार स्पेशल कोर्ट से बेल एप्लीकेशन 6 लोगों के रिजेक्ट हुई है सर। जैद विलात्रा की हद तक अगर बात करते हैं तो सर, रिया की बात करें, रिया शौकी, मैं उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता सर, उनके एडवोकेट लॉयर दूसरे हैं, मैं जैद विलात्रा का एडवोकेट है। और लॉयर अगर आप आर्गुमेंट में चुकी रहे हैं, अंदर शामिल रहे हैं, तो क्या ऐसा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सेक्शन जिस वजह से रिया इन शौकी को मुश्किलें आ रही है? सर एक्चुअली ये बात फैक्ट तो आप भी जानते हैं सर कि उसमें जो सेक्शन लगाई गई है बाद में सेक्शन 27 जो बीज सेक्शन जो अट्रैक्ट है उसमें पनिशमेंट 10 साल की है सर, और इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है, ये दो पॉइंट लिया सर कोर्ट ने बिल रिजेक्ट करते हुए सर। आगे हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैद विलात्रा की बात करें तो उसको एक तरीके से ड्रग पेडलर है और उसको बकायदा उसके पास से विदेशी मुद्राएं और तमाम चीजें बरामद हुई, उसका शौविक से कनेक्शन दिखाया गया, उसका रिया से कनेक्शन दिखाया गया, ये भी मुश्किल आ रही है क्योंकि पूरा चैन एस्टेब्लिश कर दिया नारकोटिक्स कंट्रोल सर। सर उसका जो कनेक्शन जैद का दिखाया गया शौविक से, रिया से, एक व्हाट्सएप चैट के ऊपर दिखाया गया सर, पर वो व्हाट्सएप चैट कितना उसका एविडेंट्री वैल्यू है इंडियन ऑर्डिनेंस एक्ट में, ये भी तो देखा जाएगा ना सर। आप किसी का भी नेक्सस आप लगा सकते हैं, मगर आपको साबित तो भी तो करना पड़ेगा ना सर। NDPS एक्ट में उन्होंने बयान दिया है सर, फाइनेंशियल ट्रेल की भी तो बात हो रही है सर, फाइनेंशियल ट्रेल भी तो इसमें एस्टेब्लिश किया है कि पैसों का लेन देन, वही सेक्शन 27B जो है ना, वही फाइनेंसर और उसके अंदर वही सेक्शन है ना कि फाइनेंस करना, यानी उसमें ऐसा है। अरविंद ओझा बात कीजिए, जैद विलात्रा के वकील से आप बात कर रहे थे, लेकिन आशुतोष मैं आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष नवजोत, दीपेश सावंत इस पूरे केस में सबसे अहम कड़ी थे और अली उनकी ओर से इस पूरे हियरिंग में आगे थे। अली जो दीपेश सावंत के वकील हैं, सबसे जो बड़ी फांस इस पूरे केस में, सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या नजर आई? इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल यही नजर आई कि अभी ये कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है कि ऑल द अक्यूज्ड इन दिस टुगेदर, और ये बड़ा ड्रग सिंडिकेट बताया जा रहा है। अभी इसके अंदर ज्यादा कुछ मुश्किल तो है नहीं कि जितने भी सेक्शन अप्लीकेबल है हमारे क्लाइंट के ऊपर सब बेलेबल सेक्शन है, उसके अंदर कोई नॉन बेलेबल सेक्शन है। सावंत पर बेलेबल थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती और शौविक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 27A जो नॉन बेलेबल है, बट यू कैनॉट बी श्योर कि अभी क्या वजह से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। आज अभी हमको सिर्फ यही बताया गया है कि ऑल दी बेल एप्लीकेशन एट दिस मोमेंट 6-6 रिजेक्ट कर दिए। पहला कारण जो मुझे समझ में आता है कि एक तो ये नॉन बेलेबल धाराएं जो रिया और शौविक पे लगाई गई हैं, लेकिन दूसरा बहस आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है, क्या ऐसी कोई वजह की एनसीबी ने चुकी है कहा कि केस प्राइम ऑफिस आई है? दूसरा ये वजह हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। अभी एनसीबी जैसे ऐसे बता रही थी, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि अभी अगर अक्यूज को छोड़ दिया जाए तो अक्यूज उनके एनसीबी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एनसीबी उन्होंने ये कंटेंशन दिया था कोर्ट में अपनी दलीलों में बताया था
अकॉर्डिंग टू एनसीबी ने ये कंटेंशन दिया है कि जो कुछ अक्यूज ने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, अगर उनको बाहर छोड़ दिया गया तो वो जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अवेयर हो जाएंगे, केस प्रभावित हो सकता है, केस प्रभावित हो। हम लगातार कह रहे अपने तमाम दर्शकों को 27A की धारा सबसे बड़ी फांस है, इसी वजह से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भी खारिज की जमानत, खासकर रिया और शौविक की, और इसीलिए एनडीपीएस